हमारे आप से हमको डर लगता है। बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि आप गवार हो। मैं सोची थी पुनपुन घाट उतरूंगी, यहाँ कुछ है या फिर नहीं है, पर मुझे दिख नहीं रहा, नजर आई ला कहीं से। हम रउआ लोग इनके प्रणाम कर रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं तो पुनपुन घाट जाएंगे, तो चलते हैं। तो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूं और मुझे जाना है पुनपुन घाट। तो आप लोग को मैं बता ही चुकी हूं सुबह में, तो मैं पहुंच चुकी हूं स्टेशन पे और अब ट्रेन का वेट कर रही हूं। अब देखती हूं कि ट्रेन कब आता है। वैसे बहुत लोग का क्वेश्चन था कि मतलब बहुत लोग हैं जो मुझे ऐसे देख के डर जाते हैं, बोल रहे थे कि तुम्हारा आँख कैसा है, तुम्हारे आँख से हमको डर लगता है। बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को डर लगता है। तो मैं उनको बता दूं कि जिसको डर लगता है वो फिलहाल मतलब ना देखे मुझे, और देखना भी है तो लेंस लगा के चश्मा लगा के देखे मुझे, ताकि आपको डर नहीं लगे मुझे देखकर। कि बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा आँख घंटा जैसा है, ये है वो है। हाँ जी, हम 10 गोरा के घंटा लेकर आँख खैले बन ये भैल बना खुआएंगा। वैसे मैं पुनपुन घाट जा चुकी हूँ, लेकिन मतलब वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, आज जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं, एक बार छोटा मैंने मिनी ब्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन वो मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला है शायद। तो अब मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे अब मैंने सोचा है कि लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ और वहाँ पे लगभग बहुत चीज कवर करूँ। वैसे तो मुझे सामने से मतलब थोड़ा बहुत ही दिखा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जहाँ तक होगा वहाँ तक कवर करके दिखाऊंगी आपको। आज का मौसम ही बहुत मस्त हो गया है। हम मतलब मैं जब निकली थी घर से, तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मतलब धूप था, बहुत गर्मी लग रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि मौसम अचानक से चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे निकलते ही मौसम अपना आप बदल गया। बहुतों को मेरे लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी में बोलो, भोजपुरी में मत बोलो। तो मैं उनसे कहूँगी, और बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि आप गवार हो, तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर मैं भोजपुरी में बोलती हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं गवार हूँ। कि अगर आपको गवार लगती हूँ तो आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, तो आप लोग उनका ब्लॉग देख सकते हैं। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनको गवार लगता है, मतलब बिहारी भाषा में, बिहारी में कोई भी भाषा हो, मैथिली हो, जो भी हो, बट जो भी भाषा बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि गवार लग रही हो, गवार हो, तुम अनपढ़ हो, ये हो। तो मैं बस एक बार रिमाइंड करूंगी कि हाँ, मैं गवार हूँ आपकी नज़र में हूँ, बट मैं अपने नज़र में नहीं हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, तो मेरे लिए ठीक है। मेरे अगर मेरे अंतरात्मा से निकल रहा है बात कि हाँ ये चीज़ सही है, तो बस सही है। बाकी लोगों का काम तो कहना ही है, तो कहते रहे भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये ट्रेन वहाँ से हम आईनी है, देख ली और सब की उतर गए बाटे, अब हम जाता नहीं। तो दोस्तों, मैं आई हूँ पुनपुन। वैसे मुझे उतरना था पुनपुन घाट, लेकिन मैं बिजी इतना थी अपने मोबाइल में कि मैं पहुँच गई पुनपुन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं सोची थी पुनपुन घाट उतरूंगी, और देखिए मेरे लापरवाही की वजह से मैं आज कहाँ पे हूँ। मुझे कहाँ होना चाहिए और मैं कहाँ पे हूँ। इसलिए दोस्तों कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और लीजिए, आज मैं क्या झेल रही हूँ ये मुझे ही पता है। सच में मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या किसका मुंह देख के निकली थी कि मेरा ये हाल है। मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं, और सीधे मैं कहीं और हूँ। चलो भाई, अब जहाँ भी पहुँच गए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। चलिए, मतलब इसी बहाने कहीं तो पहुँचे। लेकिन ये चीज़ गलत कर दिया है गवर्नमेंट कि पुनपुन और पुनपुन घाट दो को स्टेशन बनाने का क्या जरूरत था भाई। एक ही को स्टेशन रहता तो कितना अच्छा रहता। चलते हैं, देखते हैं कि इधर आसपास कुछ है कि नहीं। पहले तो उस ओवरब्रिज से ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ के सीधे उधर निकलेंगे, उसके बाद वहाँ से देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इधर कुछ है नहीं घर उर के अलावा। मतलब ठीक है भाई, गलती किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। अब पहुँच चुके हैं तो फिर कहीं भी तो पहुँचे हैं ना, तो वहीं पर चलते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं इसी ब्रिज से होकर आउट साइड निकलेंगे। आउट साइड जाने के बाद देखेंगे कि वहाँ कुछ है या फिर नहीं है। पवन सुत हनुमान की जय। वाओ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत जगह नहीं बल्कि सही जगह पहुँची हूँ, क्योंकि यहाँ से कहीं मंदिर है, वहाँ से आवाज आ रही है। ओह माय गॉड, बहुत मस्त लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, और मौसम भी बहुत मस्त है। आई डोंट नो कि किधर है वो मंदिर, मैं शायद ढूंढ पाऊँ पर मुझे दिख नहीं रहा, बट इट्स ओके, कहीं भी पहुँचे हैं।
अच्छा महसूस हो रहा है। सो यहाँ हम ब्रिज पार कर रहे हैं, ब्रिज तो वैसे नहीं कहेंगे, मतलब लंका पार कर रहे हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं राम जी के दरबार पे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ आप लोग भी बने रहिए और चलिए मेरे साथ चलिए मंदिर हम लोग पहुँचेंगे साथ में, मजा आएगा बहुत। सोया हम लोग अभी मतलब ढूंढ रहे हैं कि बाहर निकलने के किधर से जगह है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, तो मतलब देखती हूँ। और प्यास भी लगा है पर इधर कहीं पानी वानी तो नहीं दिख रहा मुझे। वैसे पुनपुन से कौन कौन है भाई कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा हमको कि हाँ आप लोग कहाँ से हैं। वैसे एक बोतल रखा हुआ है, आई डोंट नो किसका बोतल है, चलते हैं चिरा लेते हैं, पर चोर नहीं हूँ मैं सॉरी। हाँ तो भाई ढूंढ रहे हैं अपने गली लेकिन मिल नहीं रहा कि आखिर रोड है किधर, रोड है भी कि नहीं है। नजर आयल बाटे रोड लेकिन एकर मतलब रूट केने बा, केने से निकले के बा ई नहीं के बुझात, हमरा बुझाते नहीं कि मने केने से रोड बा, लेकिन चलो तो नहीं आगे देखा था नहीं कि आगे से रोड मिला था कि नहीं मिला। हाँ एक और चीज पूछे के रहे कि रवलो इनकी भाषा कौन बतन का बताया जरूर, का इन्हें मगही चलेला, तो मगही बोलने वाले लोगों से मैंने बात किया तो उन्हें नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो लोग के दिमाग से निकल चुका है कि मगही में कैसे बोलते हैं, तो कृपया करके आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या बोला जाला मगही में। तो मैं उस टाइम से देख रही थी कि इधर कहीं से रोड निकलता है कि नहीं निकलता है, बट मुझे इधर कहीं रोड नहीं मिला है। तो अब हम चला था नहीं आगे कि देखा था नहीं कि उन्हें से कहीं से रोड निकला था कि ना, लेकिन आगे के बिरे तो देखनी है कि मतलब बीच में तनका नजर आयल है कहीं से रोड, तो उन्हें जाके हम वो साइड देखे कि काथी बा मतलब आसपास। वैसे मतलब हर स्टेशन के पास आसपास कुछ हो के ला, जैसे कि पार्क हो जाओ। पुनपुन घाट जो था पीछे जो छूट चुका है मेरे से गलती से, तो वहाँ पे शायद सामने मतलब पार्क वगैरह पड़ता है, तो मैंने ये सोच के आया था कि मैं ये सोच के आई थी वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन अब हम मुझे ना पहुँच पाई। तो चलो इन्हें देखा था नहीं कि कहीं से रोड निकला था कि ना। वैसे कैसन बानी पुनपुन वासी लोग बताई बताई, तो इन्हें मगही चलेला शायद, हम नहीं जाना पता चलल, तो कौन से पूछनी है हमारे दोस्त भी है ओकरा से पूछनी है कि तनका मगही में बोल के दिखाओ तो कुछ हो, तो मतलब भोजपुरी में हम पूछनी है, तू अपन मगही भूल गए लख ये, मैंने इतना वो पढ़त या इतना पढ़े में तेज भी कि वो मगही भूल गए लख ये। अब सोच ली का रे भूल गए मगही, कहले नानी कि ते भूल बे। वैसे तो हमारा मगही बोले ना आवेला, लेकिन एक बार ट्राई करें का हो पुनपुन वासी, हम रउआ लोगिन के प्रणाम करे थी, क्या मैं सही बोली हूँ? अगर सही बोली हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं अच्छे ट्रैक पर जा रही हूँ कि नहीं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा लगा कि स्टेशन के जस्ट सामने ही पड़ता है, और इधर पता नहीं क्या है, वैसे जाएंगे तो पता चलेगा कि इन्हें कहाँ पड़ेला। इधर तो हमको वैसे घर उर दिख रहा है और इधर बगल से शायद रोड जा रहा है। तो ये जो लोग हमारा पीछे देखा था नहीं, वो पुनपुन के मतलब स्टेशन हटे और एक जन टिकट घर जस्ट पीछे, और फिर चला था नहीं पानी लेके तब तो बात कर। तो मतलब सामने रोड पड़ता है, उधर से शायद कहीं जाने वाने का जगह है, और सामने मैंने देखा कि बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ था, बेचता है लोग, वहाँ पे पानी वानी भी था। तो और क्योंकि मैं सोच के जो आई थी वो तो हुआ नहीं, पर इसो कि जहाँ भी पहुँचे वहाँ किसी ये पे पहुँचेंगे, पर अच्छा लगा कि यहाँ पे मिल के। फिर चलते हैं अब हम, फिलहाल तो हमारा कुछ मिलल ना, तो जन जौन बान हूँ जन हई जनरेटर बा जौन की हई करे वाला बा, लाइट उट खत्म होला तो लाइट मंगाए वाला बा। अब हमरा के काम देवल गल बा कि जनरेटर चालू करके आवे के बा, लाइट खत्म हो गल बा कट गल बा, तब जा तनी जनरेटर चालू करे काहे कि अब आयल बने तो दूसर काम कौन बा, तो चलो तनी अब जनरेटर चालू करो तनी और तो निकलो तनी घरे का हो। तो फिर हमारा खो तो घुमाई हो गया और वो लोग की घुमाई हो ये गए लोग हमारा संगे संगे घूमिए लेके लोग। तो चलिए अब हम चुराइन बन चुकल बानी, अब बस चुराइन तो बन ही गल बानी, अब तनका हवा में उड़े के देरी बा, तो हवा में समझी कि हम उड़ा था नहीं, और बस ट्रेन से लेफ्ट राइट करत करत हम थक चुकल बानी। आई बाप रे
इतना तो हम कबो ना थकल होके रहल पुनपुन के स्टेशन अच्छा से दिखा देते हैं लोग इनके एने घर बाटे एने सब घर पड़ेला आई सब घर हम अब खरीदे वाला बानी कुछ दिन में तो जेकरा जेकरा आवे के हुई मतलब जेकरा आवे के हुई पुनपुन में वो आई और जेकरा स्टे करे के हुई वो स्टे भी कर सकेला है जान पाए कि अब कुछ दिन के बाद हम खरीदे वाला बानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग आप रह सकते हो खा सकते हो और फिर मस्ती भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ आई हूँ तो अब बिना देरी किए एक ही चीज़ को बार बार क्यों रिपीट किया जाए। आप लोग का भी मूड खराब होगा मेरा भी मूड खराब होगा और मेरा तो मूड खराब हो चुका है क्योंकि अभी बज रहा है कुछ आ चुका तो चलिए जल्दी से पानी पीते हैं और निकलते हैं अपने घर के लिए। लीजिए जल्दी पिए जल्दी पीजिए जाना है ट्रेन पकड़ने। तो दोस्तों अब समय हो गया है मेरे घर जाने का तो अब निकलते हैं घर के लिए और फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।